कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी खाला जान, इससे पहले मैंने आपको जो रिश्ता दिखाया था वो आपको गरीब लगे। हाँ, तुम्हारी खाला होने के नाते मुझे बहुत अमीर समझ रहे थे। लालच तो उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी, नहीं मैं नौशाबा को कभी ऐसे घर में ना दूं। जिन्होंने आना होता है वो आ जाते हैं, इतला नहीं दिया करते। तो फिर पापा ने मुझसे क्यों कहा था कि वो आएंगे? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पापा वापस आएंगे। सच शुक्र कि वो घर तो लौटे, मगर अभी भी अपनी बहन के इशारों पर चल रहे। पापा को चाहिए था कि सीधा एयरपोर्ट से घर आते, वो घर भी आए तो मेहमानों की तरह, और नाराज से होकर जब वो हमें ही अपना नहीं समझते तो इस घर को क्या समझेंगे। पप्पू को शर्म आनी चाहिए किसी का घर बर्बाद करते हुए। कुछ लोग तबीयतन असियत पसंद होते हैं, तुम्हारी पप्पू ऐसी ही एक खातून है। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है, इतना अरसा गुजर गया लेकिन पापा पप्पू को ना पहचान सके। तुम्हारी पप्पू के पास चेहरे बदलने के लिए नकाब ही इतने बेहिसाब हैं, तो भला फिर वो कैसे पहचान सकेंगे? असफर भाई, ये दोनों माँ बेटियां बावली नहीं है, बेहद शातिर हैं। रिश्तों को तो ये अहमियत ही नहीं देती, कागज के पुर्जों की तरह समझती हैं। मजे दुख के साथ साथ तासिब भी होता है कि समीना ने एनी में कितनी खुदसरी भरती है। इट्स सो सैड, दुख होता है। एनी की खुदसरी भी बर्दाश्त की जा सकती है अगर वो अपने बाप को इज्जत दे, मगर आपको तो वो सुतेले रिश्तों की तरह ट्रीट करती है। रुखसाना, मुझे अंदाजा हो रहा है उन लोगों के दिमाग तो उस वक्त सुधरेंगे जब मैं आपकी दूसरी शादी करवाऊंगी। देखिएगा कैसे हाथ बांध के पीछे आती हैं। इस उम्र के हिस्से में मैं शादी मादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अरे असफर भाई, आपकी उम्र ही क्या है अभी?
अम्मी पप्पू पापा को लेके चली गई और वापस भी नहीं आ रहे पापा, और मेरी मेरी कॉल भी नहीं पिक कर रहे। हाँ पापा मेरे लिए आए थे, उन्हें यहाँ पे रुकना चाहिए था, और अगर मुझे छोड़ के भी चले गए तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था ना। कुछ औरतों के लहजे में जादू होता है, किसी को भी अपना सिर कर सकती है। ये क्या बात हुई, पापा जब अमेरिका में भी थे तो मुझसे दूर थे, और जब यहां पे भी आए तो मुझसे दूर। पता नहीं, मैं ये हरगिज भी नहीं होने दूंगी। तो क्या तुम उन्हें जबरदस्ती वापस लेकर आओगी? हाँ, अगर मुझे ये भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। पप्पो की आंखों में धूल झोंक कर पापा को साथ लेकर आऊंगी। जब लोग खुशी खुशी अपनी आंखों में धूल डलवा लेते हैं तो उसमें किसी तीसरे का कोई कसूर नहीं होता। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं पप्पो का वो शेयर करूं ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। जब मैं कुछ नहीं कर सकी तो तुम क्या कर सकती हो? कुछ भी नहीं। हाँ 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 किसने? अरे वाह वाकई, नहीं 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 मुझे तो नहीं पता था। हाँ अच्छा सही, अरे ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए तो। चलो ठीक है करती हूँ तुमसे बात। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कुछ पता चला? तुम्हारी एनी भाभी के अब्बा जान अमेरिका से आ गए हैं। आ गए हैं? लेकिन क्यों? भाभी तो कहती थी कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। जाहिर है उन्हें अपनी बेटी की शादी के खत्म होने की खबरें जो पहुंच रही होंगी, इसलिए भागे भागे चले आए। आपका ख्याल है कि वो सारे भाई से रابطہ करेंगे? लाजमी करेंगे। एनी चार दफा मर कर भी पैदा हो जाए ना तो उसको सारिम जैसा खूबसूरत और नेक लड़का नहीं मिल सकता। ठीक कह रही हैं आप, अल्लाह करे भाई को ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ जाए। अल्लाह मुझे तो परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। वैसे अम्मी मुझे तो हैरत है, भाई ने भाभी से कोई पूछताछ क्यों नहीं की? देखो बेटा, मर्द के दिल में जब एक दफा दरार आ जाती है ना तो उसे कुछ नजर नहीं आता। यही हाल आजकल तुम्हारे भाई का हुआ है। हाँ आजकल भाई बहुत चिड़चिड़े हुए हैं, जरा जरा सी बात पर चीख कर आते हैं। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे मेरे भाई। अरे मिल जा, कहाँ चला गया? देख जल्दी से मिल जा वरना तुझे पता नहीं है मैं तेरा क्या हशर करूंगी, उठा के फेंक दूंगी। क्या कोई बच्चा तुम्हारी इस अलमारी में छुप गया है जो तुम यूं से धमकियां दे रही हो? अदनान मेरा ब्लू कढ़ाई वाला दुपट्टा मिल ही नहीं रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ। अम्मी ने कई मर्तबा तुम्हारी अलमारी सेट करके दी, तुम्हें कपड़े सेट करने सिखाए, मगर फिर भी तुम्हारी अलमारी का हशर नशर हो जाता। अदनान मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे लगता है इस अलमारी पर ना कोई असर वसर है, मैं इसको जितनी दफा सेट कर लूं ये फिर खराब हो जाती है। तुम्हारे जैसी ही है। जाहिर है मेरी चीज है तो मेरी जैसी होगी। अच्छा भाई तुम डांटो फिटकारो अपने दुपट्टे को, मैं अम्मी से कहता हूँ कि मुझे चाय बना दे। ठीक है। वानिया यार तुम्हारे हाथ में कमाल की लज्जत, मैं तो कहता हूँ तुम अपने कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर दो, जितने भी बड़े बड़े होटल है ना सब बंद हो जाएंगे। हाँ और सब लोग मेरे ही कैटरिंग हाउस से खाना मंगाना शुरू कर देंगे। छोटे मोटे ढाबे तो बंद करवा सकती हो यार, जस्ट केयरिंग या कल भी खाना घर से ला।
नहीं रजा, एक्चुअली मैं आज तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ कि मैं कुछ दिनों तक तुमसे नहीं मिल सकती। क्या बकवास है ये वानिया? तुम्हारी दादी चली गई, नशाबा दफा हो गई, लेकिन तुम्हारा डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली एनी भाभी के डैडी आजकल कराची आए हुए हैं। कम ऑन वानिया, लेकिन उनका तुम्हारे घर से क्या वास्ता? वो जो टूटा हुआ सिलसिला है ना, उसे जोड़ने के लिए वो जरूर हमारे घर आएंगे। हाँ, डांट कर भगा देना उन्हें। खैर होगा तो यही, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा मुहतात रहना चाहिए। अरे वानिया जी, जो डर गया वो मर गया, और वैसे भी जो 12 साल से अमेरिका में रह रहा हो और फिर पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तान रह ही नहीं सकते। तुम देख लेना, चंद दिनों में उन्हें अमेरिका की याद आएगी और वो वापस उड़ जाएंगे। आई स्वेयर। लेकिन प्लीज कल आ जाना। देखूंगी, पता नहीं। खाना जरूर आना। ये क्या बात हुई, आऊं भी और खाना भी लेकर आऊं? अरे जब आ ही रही होगी तो फिर खाना लाने में कोई प्रॉब्लम होगी? अच्छा ठीक है, कोशिश कर। गुड गर्ल। अरे वाह, बड़ी अच्छी कढ़ाई वाला सूट पहना है तूने आज। जी अम्मी, ये अदनान मेरे लिए लाए थे अपनी पसंद से। बुटीक का है, बहुत कीमती लग रहा है। ये तो मुझे पता नहीं। क्यों, जब अदनान कपड़े ले रहा था तू साथ नहीं गई थी? नहीं मैं नहीं थी, वो आंटी के साथ गए थे। ये क्या बात हुई भाई, कपड़े तेरे खरीदने हो और आंटी साथ चली गई? मुझे ये बात पसंद नहीं आई। अम्मी क्या हो गया आपको, ये मेरी बरी का ड्रेस है तो इसे लेने वो आंटी के साथ ही जाते ना। ओफो, अभी तक शादी बरी के सूट चल रहे हैं तेरे, हैं? कोई नया सूट खरीद जाके, बाजार भरा पड़ा है कपड़ों से। लेकिन आंटी कहती हैं कि जहेज और बरी के ड्रेसेस को ना रखने के बजाय पहले अच्छी तरह पहन लेना चाहिए। और अम्मी वो ठीक ही तो कहती हैं, आप ये देखें मेरा ये ड्रेस इतना खूबसूरत है, मैं जब भी पहनती हूँ सब तारीफ करते हैं। अरे बड़ी आई तेरी सास, बेटा रेशमी कपड़े तुम 10 साल भी पहनती रहोगी ना तो इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये जैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन अच्छा है ना ड्रेसेस की कीमत वसूल हो जाए, भाई नुकसान नहीं होना चाहिए। आ गया ना तुझ पे तेरे ससुराल की कंजूसी का रंग। अरे बेटा अगर कोई चीज कंबल हो जाए ना तो उसे जान छुड़ानी चाहिए। आप चाहती हैं कि मैं अपने जहेज और बरी के ड्रेसेस लोगों को बांट दूं? तो क्या इसका अचार डालेगी? लेकिन अम्मी कपड़ों से एक अटैचमेंट हो जाती है, आपको पता है मैं अपने वलीमे का ड्रेस अगर अभी भी पहनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं फिर से दुल्हन बन गई। बेटा बरी का हर कपड़ा 365 दिन पहनने से रही। अरे बेटा 2-4 दिन पहनकर ससुराल के फंक्शन में किसी को भी तोहफे में दे दिया कर, वो भी खुश और तू भी खुश। अपने लिए नए कपड़े खरीद, क्या तू लकीर की फकीर बनी बैठी रहेगी? हाँ अम्मी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैंने अदनान को ईद पर भी खुद ही मना कर दिया था कि मेरे लिए ड्रेस लाने की जरूरत नहीं है। लो तुमने मना कर दिया, पागल जो जो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, जो तुमने कहा वो लोग भी मान गए, बस इन्हीं बातों पे तो मुझे गुस्सा आता है। आप फिक्र ना करें, मैं आज ही अदनान से कहूंगी कि मेरे पास सारे कपड़े खत्म हो गए। हाँ ये हुई ना बात, वैसे ये जोड़ा है तो बहुत पुराना, लेकिन है ठीक है, अच्छा ही है। आप पापा के लिए परेशान हो रही है ना, कि वो अपने घर पे होते हुए भी यहाँ क्यों नहीं ठहरे? कि दूरियां बाज़ दफा ऐसा खला पैदा कर देती हैं जिसको कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई भी बात नहीं है, पप्पू ने हमेशा पापा को अपनी उंगलियों पे नचाया है, और आप देख लीजिएगा जब पापा थक जाएंगे ना तो वो घर आ जाएंगे। जब असफर घर लौटेंगे तो शायद मैं उस वक्त ना हूं। आप कहां जा रही हैं?
जिंदगी की शाम कब हो जाए ये किसी को पता तो नहीं होता है ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर पापा ने आने में देर कर दी ना तो मैं जिंदगी भर उनकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तुम्हारा बाप है और बाप की जरूरत तो एक औलाद को सारी उम्र रहती है। थैंक यू अदनान, एक बात कहूं आप नाराज तो नहीं होंगे? एक नहीं दो मानूंगा, कहो। वो मैं कह रही थी कि मेरे पास ना सारे कपड़े खत्म हो गए। सारे कपड़े? मेरा मतलब है कि अब तुम्हारे पास कपड़े हैं ही नहीं। तो और क्या, अब कोई शादी बरी के कपड़े सारी जिंदगी थोड़ी चलता है। और ये जो तुम्हारी अलमारी बेहंगम भरी हुई है जिसमें अगर कोई कपड़ा खो जाए तो तुम उसे आवाजें तक लगाया करती हो कि खुदा के लिए मिल जाए, वो भाई वो सारे कपड़े पुराने हो गए ना, अब तो वो फेंकने के काबिल है। तो फिर उन्हें अलमारी में क्यों रखा हुआ है? कचरे की बास्केट में फेंक दो, सिंपल। अरे वाह, मैं कोई पागल हूँ क्या जो अपने इतने महंगे कपड़े उठाकर फेंक दूं? अच्छा तो ये बात है। आप हंस क्यों रहे? ऐसे ही बस मेरा हंसने का दिल चाह रहा था। बताइए ना अदनान क्यों हंस रहे? अरे मेरी मजाल है भला, तौबा तौबा। बोले ना अदनान। कल तुम मेरे साथ मार्केट चलना और जो तुम्हें कपड़े चाहिए वो तुम ले लेना। सच में आप चलेंगे मेरे साथ? तुम कहो और मैं ना मानू। अदनान आप वाकई बहुत अच्छे हैं। अच्छा नहीं हूं, पागल हूं। जो बीवी ने कहा वो मान गए। कोई बात नहीं, माननी चाहिए बीवी की बात। चाय कैसी बनी? बहुत अच्छी। सिकंदर एक बात कान खोलकर सुन लो, जफरी और नवीद को भी अच्छी तरह समझा देना, इन दिनों कोई भी एनी को परेशान करने की कोशिश ना करे। अरे यार मेरी बात तो सुन लो पूरी, उसका बाप आया हुआ है अमेरिका से। जो लोग बाहर से आते हैं ना उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, वो छोटी छोटी बातें पुलिस को फोन कर देता है, समझा क्या? चल रख फोन अब। वानिया जी अब देखते हैं ये जेवर अब किसका मुकद्दर बना। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, सब कुछ उसी को देंगे जिसे हम मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से मोहब्बत। हाय रे मोहब्बत। जी पापा फरमाइए। एनी बेटे इस वक्त तुम मेरे पास आ सकती हो? पापा अब मैं कभी भी पप्पू के घर नहीं आऊंगी। चलो बाहर मिल लेते हैं, मैं गाड़ी भेजवा देता हूँ। आज नहीं, आज अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं आ सकती। ओके कल या परसों का रख लेते हैं। मैं आपको बता दूंगी। बाय। ओके खुदा हाफिज़। तुम्हारे पापा का बुद्ध है नहीं? जी। क्या कह रहे थे वो? मिलने का कह रहे हैं। तो तुम्हें फौरन जाना चाहिए था। मैंने मिलने से इनकार कब किया अम्मी? तो जाओ ना, इतने सालों के बाद तुम्हारे पापा आए हैं, कुछ उनकी सुनो कुछ अपनी सुनाओ। वो अपनी बेटी से बात करने के लिए तड़प रहे होंगे। जब वो अमेरिका गए थे
तुम स्कूल जाया करते थे। मैं जाऊंगी पापा के पास। तुम देख लेना रुखसाना उनके दिल में हमारे खिलाफ कितनी ही दराने क्यों ना डाल दे, वो कामयाब नहीं हो सकेगी। आप अपनी दवा तो खा लें, हमें खा रही है ना? ओ एनी के वालिद आजकल अमेरिका से यहां आए हैं। पापा जब अपना घर मौजूद है तो आप वहां क्यों नहीं आ जाते? नहीं, मैं वहां नहीं रह सकता। हाँ वैसे आप सही कह रही हैं, उन्हें कहीं आने जाने का शौक नहीं है, वो अक्सर टीवी देखते रहते हैं या अखबार पढ़ते रहते हैं। जबी तो सियासतदानों वाली बीमारी हो गई है उसे। कितने